द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रौपदी ने दोनों हाथों से चीर को पकड़ा। सुनना प्रेमियों, मैं क्यों कहता हूं हाथ उठाओ। दोनों हाथों को से कस के चीर को पकड़ा और कहा, कान्हा आओ कान्हा आओ, आज तुम्हारी बहन की लाज जा रही है। कन्हैया ने कहा, अभी तो खुद पर विश्वास है, नहीं ऐसा। द्रौपदी ने एक हाथ छोड़ा, एक हाथ से फिर भी कस के पूरी ताकत लगा के पकड़े रही। कान्हा आओ कान्हा आओ, तुम्हारी बहन की इज्जत का सवाल है। कान्हा ने कहा, अभी भी विश्वास है खुद पर, नहीं आए। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथों को छोड़ करके भाव समर्पण का कर दिया, कान्हा चीर में समा गए। बोलिए सच्चे दरबार की। बस केवल इसलिए कहता हूं कि जयकार जब भी लगाएं तो दोनों हाथों को यूं दिखाइए, यूं दिखाइए। इसका भाव होता है कि प्रभु हम आपके श्री चरणों में समर्पित होकर के बैठे हैं। और अगर हमारे कर्मों के वश अगर कोई गलत लकीर बन भी गई हो, कोई गलत लकीर उत्पन्न हो रही हो, तो उसको तुरंत आप दूर कर दें, ऐसे हम पर कृपा करें। एक बार दोनों हाथ उठाइए और दिखाइए मेरे ठाकुर जी को, और जोरदार जयकार बोलो, हरे के सहारे की, सच्चे दरबार की। आइए, आज की ग्यारस कुछ मायनों में अहमियत भी रखती है। क्यों? क्योंकि साल की पहली ग्यारस है। चार लाइनें कह रहा हूं कोटपुतली के बहुत समझदार प्रेमियों, प्लेट करना। चार लाइनें कह रहा हूं, अगर दिल तक पहुंचे, समझ आए आपके दिल तक पहुंचे, तो मुझे एहसास कराना कि आपने समझी है लाइनों को। कह रहा हूं कि सदैव सदा खुशियों, सदा खुशियों को पाले रखे, हर दर्द से निकाले रखे, और संभाला है इन्होंने ही गुजरे हुए सालों में। आगे भी खाटू वाला आपको संभाले रखे, आगे भी खाटू वाला संभाले रखे। आओ जय यप्पा, आओ चले कीर्तन करते हैं। ने मागा पा मागा रे ने धनी रे सा, हा ना हा sagama pa ma pa ga ma ga sa sagama pa ga ma pa ga ma ga re ni da sa माहौल ऐसा हो गया, थोड़ा सा मिजाज इसलिए बना रहा हूँ प्रेमियों। मैं समझता हूँ आधे को समझ नहीं आएगी ये बात, ये हमारी इनकी बात है, लेकिन जिनको समझ आएगी वो बड़ा लुत्फ उठाएंगे। मैं मिजाज इसलिए बना रहा हूँ, बड़ा मानस बन नहीं रहा था गाने का, लेकिन अब शायद कोशिश कर। गम बनी सदा पम पग म बनी गम बनी सदा पम पग सगम पग म गरे पाम गरे निदासा। आओ करते कीर्तन, मिलकर के साथ दीजिए और कहिए आज की ग्यारस। बाबा तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर्द तो बाजीबा। ये मैं अब तक सुनता आया था कोटपुतली के बारे में, लास्ट टाइम मैं पहली बार आया था, और दो लाइनों की हाजिरी में आज बाबा ने पूरी हाजिरी का मौका दे दिया। ये है इसकी कृपा का सबूत साहब। जो लोग कहते हैं भगवान है कि नहीं, उनको मैं बता रहा हूँ कि दो लाइनों में, लोग कहते हैं पूरा पूरा भजन गाने से नहीं एक बात बनती, मैं कहता हूँ दो लाइनें भी दिल से गा दो तो बात बन जाती है। ऐसा दरबार है साहब, लगाओ ना तालियां। क्या बात है, दिल से कहना। तेरा दर्द तो हकीकत में दुखियों का सहारा, ह
अगली लाइन अगर दिल तक पहुंचे तो मुझे एहसास कराना, तेरे दर के ही टुकड़ों पर बाबा, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है, तेरे दर के टुकड़ों पर हम सबका गुजारा है। कौन है कोरस पर, कौन है भैया एक मिनट। तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका, अच्छा पीछे वाले बोल रहे हैं क्या? देखो मानता हूँ सर्दी ज्यादा है लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं कि आवाज ना निकले। एक बार गाओ, तेरे दर के ही टुकड़ों पर हम सबका, किसका किसका गुजारा है। विश्वास बोलना चाहिए आज इस पंडाल में, एक एक प्रेमी का विश्वास बोलना चाहिए। सब जो खड़े हैं बैठे हैं कोई मैटर नहीं करता, आप कहां पर हैं, आपकी स्थिति क्या, आपकी परिस्थिति क्या है। एक बार दोनों हाथ उठाना बिल्कुल सीधे, ये लंबे हाथ जल्दी करो भाई, यहाँ पर भविष्य बिगड़ जाएगा। दोनों हाथ ऊपर और कहो 1 2 3। तेरा दर तो हकीकत में, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है, तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। अच्छा कौन कौन मानते हैं दुखियों का सहारा है, एक बार दोनों हाथ कहिए बाबा। तेरे दर के ही टुकड़ों पर, तेरे दर के ही टुकड़ों पर ये कर्म का दरबार है साहब, कोई फॉर्मेलिटी मत करना। जिसका गुजारा वाकई में श्याम नाम से चलता है, एक बार दोनों हाथ बिल्कुल सीधे, कोई हाथ नीचे नहीं। मेरी नजर पहुंचे पहुंचे ना भी पहुंचे लेकिन श्याम की नजर चारों तरफ पहुंचती है। एक बार दोनों हाथ, कोई हाथ नीचे नहीं और ताली लगा के मिलके ये 1 2 3। मझधार में नैया है बाबा और दूर किनारा है, क्या कहो। मझधार नैया है और दूर किनारा है, मझधार में नैया है और दूर किनारा है, मझधार में नैया है और दूर किनारा है। अब प्रार्थना की बारी, अब पार करो नैया,
अब पार करो नैया, तूने पुकारा है अब पार करो नैया, तूने पुकारा अब पार करो नैया, भगतों ने पुकारा। कौन कौन भक्त पुकार रहे हैं, कौन कौन भक्त पुकार रहे हैं, पता नहीं किसकी पुकार सुन ले मेरा खाटू वाला। दोनों हाथ उठा करके समर्पण भरी ताली, एक दो तीन। जिसने भी पुकारा तुम्हें दौड़े चले आए, जिसने भी पुकारा तुम्हें दौड़े चले आए हो, जिसने भी पुकारा है चले आ। अब कोटपुतली धर्मशाला में बैठे एक प्रेमी का विश्वास बोले, बुलाओ आओ लीले पे चढ़ करके, आओ लीले पे चढ़ करके। अब भक्त बोलेंगे भाई साहब, क्या बोलोगे? आओ अभी अभी आवाज पहुंची नहीं है, अभी ढंग से मेरे तक नहीं पहुंची, वो तो दूर बैठा है। आओ लीले भगतों ने ऐसे पुकारोगे, एक बार दोनों हाथ उठाओ और मिलकर के कहो क्या? भगतों ने पुकारा है तेरा दर्द तो हकीकत सहारा। अच्छा, किसको किसको भजन में आनंद आया, एक बार दोनों हाथ उठा करके ताली मिलके, एक दो तीन चार। श्रृंगार को देखो, किसको किसको अच्छा लग रहा है, किसको किसको अच्छा लग रहा है। एक जोगे ने पहुंची ठाकुर की दीवानी, वहां पर भजन समाप्त हुआ, नया भजन जोड़ रहा हूं सुनना। ठाकुर से नजरें मिली, नजर मिलते ही खो गई ठाकुर के दीदार में, ठाकुर की आंखों में, और खो करके कहने लगी प्यारे छाप तिलक सब छीने, छाप तिलक सब छीनी तोरे नैना मिला, छाप तिलक सब छीनी तोरे नैना मिला, नैना मिला के तोरे नैना मिला के, नैना मिला के तोरे नैना मिला के। यहाँ पर कितनी जोगिनी हैं,
यहाँ पर कितनी जोगिनी है जो ठाकुर से नैना मिलाना चाहती है, एक बार अपने अपने स्थान पर खड़ी हो जाओ दो मिनट के लिए, अगर दिल कर रहा है, दिल करेंगे इच्छा करें तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं। और एक बार भाई लोग जितने भी चाहते हैं मेरे ठाकुर के चरणों में हाथ लगाना, अपने अपने स्थान पर खड़े होके और मिल करके कहो छप तिलक सब खाटू नरेश की। अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा? एक बार थाली लगाओ हमारे बैंड के लिए। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत अच्छा फीलिंग हुआ। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर हाजिरी के गुड़गान के मिजाज से आया था, मानस से, लेकिन क्या कमाल साथ है। एक बार आप सबको प्रणाम करता हूँ, एक बार अपने लिए तालियां लगाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आकाश गुप्ता का आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको प्रणाम। जय श्री श्याम।